यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज ट्रेन वाले भैया आ चुके हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में, जहाँ पर हमारी यात्रा होने वाली है 17253 गुंटूर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में। इस ट्रेन में सवार होकर आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गुंटूर से लेकर थोन जंक्शन तक का रूट, जो कि बेहद खूबसूरत है। रास्ते में हमें नालमल्ला फॉरेस्ट रेंज की खूबसूरत पहाड़ियाँ और जंगल देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हम बोगाड़ा और चालाबा जैसी टनल्स को भी क्रॉस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इस रूट की हिस्ट्री के बारे में भी रूबरू करवाऊंगा, और आपको मीटर गेज एरा का बहुत ही खूबसूरत दोहरा भावी पर्यटक भी दिखाऊंगा, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज था मीटर गेज टाइम पे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्साइटिंग सफर को शुरू करते हैं गुंटूर जंक्शन से। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। अभी आज मैं हूँ गुंटूर जंक्शन पे, और ये मेरे पीछे खड़ी है 17253 गुंटूर सिकंदराबाद, जो कि गुंटूर से चलकर सिकंदराबाद शायद नहीं जाती, आई गेस काचीगुड़ा तक जाती है। और ये एक पैसेंजर ट्रेन है, और आज की हमारी जर्नी होने वाली है इसी ट्रेन में फ्रॉम गुंटूर टू धोने जंक्शन, जिसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है द्रोणाचालियम जंक्शन। मुझे पता नहीं है, शायद जो प्रोनंसिएशन है वो गलत हो सकता है, बट आज की हमारी जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है। और इस जर्नी करने का बहुत ही मेन रीज़न है, वो है यहाँ का जो रूट है। आगे जाके बहुत ही एक चेलम्मा फॉरेस्ट रेंज बोलते हैं वो है, और बहुत ही खूबसूरत सा रूट है, वो एक्सप्लोर करने का एक्चुअल में मेरा प्लान है। तो आज मैं ऑन बोर्ड राइड करने वाला हूँ, और कल मैं ऑफ बोर्ड राइड करने वाला हूँ। तो विजयवाड़ा का जो वैग 5 लोकोमोटिव है ना, बारबी डॉल लिवरी इसको हम लोग बोलते हैं, ये आज हमारी ट्रेन को पुल करने वाला है। ये ट्रेन यहाँ से शुरू होकर जाती है पहले धोन जंक्शन पे, यहाँ पे आई गेस इसका रिवर्सल होता है, फिर वहाँ से काचीगुड़ा जाती है। पैसेंजर ट्रेन है, और एज ए स्पेशल सर्विस चलाई जाती है 17253, और रेक शेयरिंग है इसका सिकंदराबाद मनुगुरु स्पेशल के साथ 12745। और पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो अनरिजर्व्ड है, तो आज मैं इसी वाले कोच में ठीक लोकोमोटिव के पीछे एक कोच वाले में बैठने वाला हूँ, यहीं से आज पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। अभी हो रहे घड़ी पे 7:05, और इसका जो डिपार्चर टाइम है वो है 7:10। बाकी की बातें ट्रेन में बैठ कर करते हैं। तो गुंटूर ना आई गेस तेलंगाना का या फिर आंध्र प्रदेश का, मुझे आइडिया नहीं है, कमेंट करके बताना कौन से स्टेट में आता है, बट 3rd या 4th लार्जेस्ट सिटी है, और मतलब काफ़ी बड़ा है। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है सिकंदराबाद साइड से, पागड़ीपल्ली केबिन, जो वंदे भारत सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत जो रूट लेती है वो वाला रूट है। एक जो रूट है वो आता है विजयवाड़ा से, एक जो है इधर से धोन गुंतकल होते हुए हुबली की तरफ जाता है, और एक यहाँ से जाता है तेनाली, जो कि न्यू दिल्ली चेन्नई मेल लाइन है। तो मतलब कुछ ऐसा रूट मैप है यहाँ का, मतलब टोटल 4 डायरेक्शन पर यहाँ पर जो लाइन है वो डाइवर्ट होती है यहाँ से। टाइम हो रहा है 7:09, 1 मिनट, और सिग्नल नहीं दिख रहा, मुझे पता नहीं डिपार्चर का सिग्नल दिया गया है कि नहीं दिया गया, बट एक बहुत ही प्यारी सी सुबह है गुंटूर जंक्शन पे, और कुछ देर में यहाँ से हमारा डिपार्चर होने वाला है। और शंखनाद हो चुका है, और अब हमारी जर्नी ये दे दिया एलपी साहब ने हरी झंडी। तो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम, मेरी घड़ी 2 मिनट स्लो है, तो अभी 7:09 ही हो रहे हैं, तो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हमारा डिपार्चर हो रहा है गुंटूर जंक्शन से। तो अभी हमारा अराइवल हो रहा है नलपाड़ू जंक्शन पे। इस जंक्शन पॉइंट से एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट धोन की तरफ जाती है, और एक लाइन जो मैंने पहले बोला था ना, पागड़ी पल्ली जो सिकंदराबाद से आती है वो यहाँ पे मीट करती है। और सामने देखो, अभी हम जस्ट गुंटूर से निकले हैं, और पूरा ये
चिलम्मा फॉरेस्ट रेंज तो नहीं बोल सकते इसको, बट ये ईस्टर्न घाट्स की छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, कदापा रेंज बोलते हैं शायद इसको, वो विजिबल है नालापाड़ू जंक्शन से ही। और ये जो हमारे राइट में लाइन से जा रही है ना, ये चली जाती है टुवर्ड्स सिकंदराबाद। ये पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है यहाँ से पागड़ीपल्ली जंक्शन तक। सामने से कोई तो फ्रेट आ रही है डीजल लोगों के साथ, WDG 4D। और इसी के साथ हम पहुँच रहे हैं अपने पहले हॉल्ट जो कि है पेरे चरला। अब क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, मतलब पैसेंजर तो नहीं है वैसे, रेलवे ने इसको एक्सप्रेस का नाम दे दिया, बट है पैसेंजर ही, सारे हॉल्ट पे नहीं रुकती बट ऑलमोस्ट सारे मेजर हॉल्ट्स पे रुकती है। तो मैं पूरे के पूरे तो स्टेशन दिखा नहीं सकता, स्टिल ये पहला हॉल्ट है हमारा तो इसलिए दिखा रहा हूँ। नाम क्या था? पेरे चरला। मौसम बहुत ही खूबसूरत है आज, मतलब थोड़ा क्लाउडी भी है और सनी भी है, तो मतलब कुल मिला जुला कर अच्छी वाइब है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं फिरंगीपुरम, और यहाँ पे ये कोई तो आई गेस टेंपल नहीं लग रहा मुझे, चर्च लग रहा है। अगर कोई यहाँ से है तो मुझे बताना कि एक्चुअल में क्या है। आई गेस चर्च ही है। और ये है हमारी आज की जर्नी का सेकंड शेड्यूल्ड हॉल्ट। फिरंगीपुरम, यार इस जगह का नाम बहुत ही मतलब अजीब सा है, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है ऐसा ब्रिटिशर्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि ऊपर एक चर्च भी है और नाम भी फिरंगी। फिरंगी का मतलब समझते हो ना, फिरंगी लाइक बाहर से फॉरेनर्स। बट मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, और अभी ये रूट का स्टार्ट है और यहाँ पे पहाड़ बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं मुझे। आगे चल के और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को फॉर श्योर मिलेंगे। ये बीच का सेक्शन है अभी, जहाँ पे अभी डबलिंग का काम चल रहा है। पहले ये जो लाइन है ना वो सिंगल हुआ करती थी, तो अभी कुछ कुछ जगह जो है डबलिंग पूरी हो चुकी है, और बहुत सारे जगह अभी भी सिंगल लाइन है, जो स्ट्रेच है वो सिंगल लाइन है, तो वहाँ पे अभी भी डबलिंग का काम हो रहा है, उनमें से एक ये लाइन है। और इस जर्नी का थर्ड हॉल्ट नरसराव पेट। कोई तो मतलब इम्पोर्टेंट टाउन है, काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। सामने से आ रही है एक ब्रांच लाइन, जो एग्जैक्टली तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट जो
जो सिकंदराबाद और गुंटूर के बीच में जो मेन लाइन है ना, बेल्लम कोंडा से पहले ये ब्रांच लाइन उधर से डाइवर्ट हो के यहाँ पे आके ज्वाइन करती है सावल्यपुरम। सो यही वो जगह है जहाँ पे ये दोनों लाइन आके जुड़ती हैं। मैं आपको मैप्स के थ्रू दिखा दूँगा कि कैसा दिखता है, मतलब ये जो ट्रायंगल है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, बट इट सीम्स कि हमारी ट्रेन रुकेगी बिकॉज कुछ पैसेंजर्स दिख रहे हैं और माइट बी हाँ ट्रेन रुकेगी हमारी इनके लिए। वीनिकोंडा स्टेशन काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है और स्टेशन पे अभी रीडेवलपमेंट वर्क काफ़ी चल रहा है, इतना चल रहा है कि अभी तक बोर्ड भी नहीं लगा है। और आई गेस ये है हुबली विजयवाड़ा पैसेंजर, नॉट पैसेंजर, एक्सप्रेस आई गेस। आगे का सेक्शन क्योंकि सिंगल लाइन है, यहाँ से डबल लाइन शुरू हो जाता है, इसके आगे सिंगल लाइन है थोड़ा सा, इसलिए उसको रोक के रखा हुआ था अभी तक। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं, लेट मी चेक कौन सा रेलवे स्टेशन है, मेरी आंख लग गई थी। और ये क्या कम्बम सीबम का स्टेशन, सीबम को शायद सब लोग जानते होंगे, बॉडी बिल्डर है। एक्चुअल में मैं बाल कंघी कर रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उलझ गए हैं, छोड़ो बाद में कंघी करूँगा। मस्त सा स्टेशन है, पहाड़ से घिरा हुआ, इधर भी हल्के हल्के पहाड़ है, इधर भी हल्के हल्के पहाड़ है, इधर एक फ्रेट ट्रेन क्रॉस हो रही है और इधर शायद से ये जो घाट सेक्शन है उसमें कुछ देर में एंटर कर जाएंगे हम यहाँ पे। तो कम्बम से हो गया हमारा डिपार्चर और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है शार्प 11 o'clock इन द मॉर्निंग। ये सीन कितना सही लग रहा है, एक लेवल क्रॉसिंग, स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बस, कुछ लोग और मतलब पीछे बैकग्राउंड में पहाड़, क्या फील दे रहा है। ओके सो अप या डाउन लाइन जो भी है, एक उधर है आई गेस, रीअलाइनमेंट कर रहे हैं ये लोग रेलवे लाइंस की क्योंकि वहाँ पे एक बना रहा है, तो पॉसिबल है कि ये वाला जो रेलवे रूट है
रेलवे लाइन जो ये वाला है वो उधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। बट क्या लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। हमारी जो वैक 12 के साथ क्रॉसिंग स्टेशन पे हुई वो यहाँ पे होती तो क्या मस्त नज़ारा आता एकदम। और पहाड़ भी देखो यहाँ पे, पहाड़ थोड़े से अलग टाइप के, ग्रेवल ग्रेवल जो होता है वैसे वाले पहाड़ है, हार्ड रॉक नहीं है। और अभी जाकर ना ये पूरा रूट जो है माउंटेन रेंज के एकदम साइड टू साइड चल रहा है। पीछे देखो तो और भी ज़बरदस्त दिख रहा है। और अभी हम स्किप कर रहे हैं एक स्टेशन, जग्गम घोटम कृष्णापुरम कुछ ऐसा नाम है, और शायद यहाँ से अब जो है आगे हमारा सफ़र कंटिन्यू होने वाला है सिंगल रेल रूट पे। यहाँ से जो डबल लाइन का सफ़र है वो यहीं पे ख़त्म होता है, आगे का रूट जो है वो सिंगल लाइन है, जो कि दर्शाता है कि हम घाट सेक्शन में एंटर करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं इस रूट के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। तो ये जो पूरे माउंटेन रेंज है ना, इसको बोलते हैं जेलम्मा फॉरेस्ट रेंज, प्रिजर्व फॉरेस्ट है और इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। और पहले इनिशियली जो ये रूट है ये पार्ट हुआ करता था विजयवाड़ा हुबली लाइन का, और मीटर गेज हुआ करता था, और फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था आई गेस नॉट श्योर बट 1920s 1930s के आसपास पहली बार ओपन हुआ था, तब ये मीटर गेज हुआ करता था। और लेटर फिर इसका गेज कन्वर्जन हुआ, अब गेज कन्वर्जन का टाइम मुझे भी नहीं पता है, बट गेज कन्वर्जन हुआ। अभी वैसे कुछ मिलेगा नहीं जनरली, बट बीच में एक ब्रिज पड़ता है मीटर गेज का, मतलब अभी मेन जो आएगा ना एरिया वहाँ पे जो मेन घाट सेक्शन आएगा, घाट सेक्शन में मीटर गेज का अलाइनमेंट बहुत जगह अभी भी दिखेगा। एक ब्रिज था कुछ सालों पहले तक, वहाँ पे ब्रिज हुआ भी करता था, जो गिर्डर्स थे वो भी थे, अभी उन्होंने क्या क्या गिर्डर्स हटा दिए, बस पिलर्स बचे ब्रिज के, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमें इस जर्नी में देखने को मिलेगा। तो मैं आगे दिखाऊंगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, मैंने थोड़ा सा वेब पे सर्च किया था, बहुत ही खूबसूरत है, और अभी पता नहीं कब आएगा, मैंने भी अभी देखा नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है कितना दूर है कितना दूर नहीं है, बट जब भी आएगा देखते हैं। और अभी भी मतलब लाइक ये पूरा बहुत ही प्यारा लग रहा है।
और हमारी ट्रेन हौले हौले कॉशन को क्रॉस कर रही है। कॉशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे पीछे ब्रिज को रिप्लेस किया जा रहा था। एक और हॉल्ट गिडालूर, और आई गेस चिलम्मा फॉरेस्ट रेंज अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है। गिडालूर के बाद हम अपना एक और स्टॉप होगा और उसके बाद चिलम्मा फॉरेस्ट रेंज में हम एंटर कर जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा स्टेशन, इस रूट के सारे स्टेशन बहुत ही प्यारे यार, बट ये बिल्डिंग बहुत, बिल्डिंग नहीं बोल सकते, ये शेड बहुत अच्छा लग रहा है और भीड़ भी ज़बरदस्त है स्टेशन पर। कड़क भीड़ पीछे साइड, आगे बैठने का यही फायदा है कि आगे ज़्यादा लोग कभी नहीं बैठते, मतलब जैसे देखो ये भाग रहे, पहुँचते पहुँचते ये किसी पीछे वाले कोच में ही चढ़ जाएंगे, तो इसीलिए आगे वाला कोच पूरा खाली रहता। दिखाता हूँ मैं कितना खाली है, देखो पूरा खाली है, वही पीछे वाले कोच ऑलमोस्ट भरे हुए, बीच वाले तो बिल्कुल भरे हुए। बेस्ट लुकिंग वैग नाइन, कुछ तो रीज़न है बट बहुत ही प्यारे लगते हैं KGM के वैग नाइन्स, वो लोगो और थोड़ी सी स्क्रिप्ट डाल देने से ही बस। और अभी हम पहुंच रहे हैं अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो, बट दिगुवमेता DMT ईस्ट स्टेशन को। और ये वो स्टेशन है जिसके बाद चिलम्मा फॉरेस्ट रेंज शुरू हो जाती है। एग्जैक्ट अभी देख सकते हो माउंटेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे। तू भी चला जा अंदर जा। हाउस ब्रिज क्या सोच के नाम रखा है, आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी सही नाम है। वाओ खूबसूरत,
हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ हम एंटर कर चुके हैं चेलामा फॉरेस्ट रेंज में। और क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंडर आता है, सो यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी हमारी, 30-40 मैक्स 50 किलोमीटर पर आवर। अभी आई गेस 50 किलोमीटर पर आवर ही है। यहाँ पे शायद इस रूट की पहली टनल जो है वो आ गई है, चेलम्मा टनल। हम नाम मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट पास में आता है तो देख के मैं बताता हूँ क्या नाम है एक्चुअल में। बोगादा टनल है और इसके आगे एक और टनल है, उसका नाम है चेलम्मा टनल। और ये एमसी बायोटेक की बात कर रहा था ना, यही है एमसी बायोटेक। गेज के टाइम पे ऐसे ऊपर से रूट जाया करता था और ये मीटर गेज एरा के जो है ना ब्रिजेस है वो है। और यहाँ पे एक अपना ब्रॉड गेज बायोटेक भी आएगा जहाँ तक मेरे ऊपर है, ये रहा ब्रॉड गेज बायोटेक। वाओ, काफ़ी खूबसूरत। उधर एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ से मतलब दिखती है ट्रेन, उधर से दिखती है ट्रेन व्यू पॉइंट। और ये सेम रोड है जो नीचे से जा रही है कहीं। तो दोस्तों ये मेरे पीछे रहा, ये हमारा मीटर गेज अलाइनमेंट है। जो ट्रैक्स थे वो ये इधर पीछे से आते थे, इस ब्रिज के थ्रू होते हुए आगे चले जाते थे। और ब्रॉड गेज अलाइनमेंट आपको वहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, ये अभी का ब्रॉड गेज अलाइनमेंट है जहाँ पे हमारी जो कल की ट्रेन थी, कल हमारी ट्रेन इसी रास्ते से होकर गुजरी थी। मतलब बहुत ही मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मतलब ये इंडियन रेलवेज़ का पास्ट हुआ करता था, ये इंडियन रेलवेज़ का प्रेजेंट है। खैर मतलब अगर खूबसूरती की बात करें ना, तो मीटर गेज जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि ट्रैक्स पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ के आते थे। एंड आई गेस टनल्स नहीं थी एक भी इस रूट पे, है शायद आगे है बट इधर के साइड एक भी टनल नहीं थी। और ट्रैक पूरा मतलब ऐसे ओपन व्यू पूरा प्रोवाइड करता था, भले ही थोड़ा लंबा था, टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन खूबसूरत था। बट समय के साथ रफ्तार का भी बढ़ना ज़रूरी है, और इसीलिए ब्रॉड गेज अलाइनमेंट जो है सीधे यहाँ से स्ट्रेट जाता है, बागोडा टनल में एंटर करता है और सीधे उधर गिडालूर पे निकलता है। और ये पूरे ईस्टर्न घाट्स की पीक्स देख रहे हो ना, पूरा ईस्टर्न घाट्स बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये है नालम्मा फॉरेस्ट रेंज,
यहाँ पे टाइगर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बट इस एरिया में होते टाइगर्स नहीं है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वाला कर्व देखो भाई साहब, क्या तगड़ा कर्व है पूरी ट्रेन। ओहो मतलब नज़ारे ऐसे कि मैं बोलना ही भूल जाता हूँ। नया नया बैलेंस डाला है, पूरा उड़ रहा है और कुछ अटक भी गया ट्रेन में शायद, आवाज कर रहा है। बट ये देखो भाई वाओ, चिलामा रेलवे स्टेशन। इवन फॉरेस्ट में भी ट्रेन ज़बरदस्त स्पीड मेंटेन करके चल रही है, ऑलमोस्ट 90-100 ऐसा। और इसी के साथ हमारी ट्रेन इस छोटे से घाट सेक्शन से बाहर आ चुकी है, घाट सेक्शन में ही नहीं बोल सकते, फॉरेस्ट रेंज से बाहर आ चुकी है। बहुत ही छोटा सा था बट वाकई में बहुत मतलब ज़बरदस्त था। और अभी तो बारिश वारिश नहीं हो रही, अगर बारिश हो रही होती या फिर थोड़ा सा मॉनसून टाइप का मौसम होता तो और भी ज़बरदस्त दिखता। खैर मतलब अब अगला जो मेजर हॉल्ट होगा वो होगा नंदयाल जंक्शन। तो देखते हैं थोड़े बहुत और नज़ारे, देखते हैं कैसे दिखते हैं कैसे नहीं। फाइनली एट द अदर साइड ऑफ चेलामा फॉरेस्ट रेंज गाजुलापल्ली। ये देखो ये मीटर गेज टाइम के वाटर टैंक्स हुआ करते थे, आई गेस ये स्टेशन जो है ये मीटर गेज टाइम का ही है।
वाटर टैंक और ये शायद जो प्लेटफॉर्म है ये भी मीटर गेज टाइम का है। यस, मीटर गेज एरा का ये प्लेटफॉर्म है। छोटा सा स्टेशन है गाजुलापल्ली। और पहाड़ों के बीच से निकलकर हम फिर से प्लेन्स में आ चुके हैं और हमारी ट्रेन फिर से पूरी रफ्तार में, फिर से क्या मतलब, पहाड़ों के बीच में भी पूरी रफ्तार में ही थी और अभी भी पूरी रफ्तार में ही है। मैक पाइप लगा है तो मैक्सिमम स्पीड जा सकती है ये 100 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, चल रही है। हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो थोन, जो कि ऑलमोस्ट 2 बजे आएगा। अभी हो रहे 12:30। मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे डिजी लग रहा हूँ बात करने में, क्योंकि नींद बहुत आ रही है। बट ट्रेन सर्विस में मज़े बहुत आते हैं, मतलब कितना भी सोए रहो, 2 दिन से ना सोए रहो, फिर भी मतलब दरवाजे पे खड़े होकर कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना, एनर्जी आ जाती है ऑफिस बॉडी में। नंदियाल जंक्शन, तो दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं नंदियाल जंक्शन पे। बाकी बैठते हैं, मैं बैठ के ही करता हूँ। नंदियाल से एक लाइन यहाँ से जाती है येरागोंडला की तरफ। येरागोंडला मुंबई चेन्नई मेन लाइन पे स्टेशन है, तो यहाँ से मतलब अगर आपको चेन्नई के साइड जाना है तो आप येरागोंडला डायरेक्ट जा सकते हो। आपको यहाँ से थोन आके गुंतकल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें सिग्नल भी मिल चुका है और यहाँ से शायद आई गेस फिर से डबल लाइन शुरू हो जाएगी, नॉट श्योर, शायद से। कुंदु रिवर, और यहाँ से जो ये लेफ्ट वाला रूट है ये ट्रैक्स चले जाते हैं टुवर्ड्स येरागोंडला। तो वो वाले ट्रैक्स चले गए येरागोंडला और हम सीधे निकल गए थोन जंक्शन की तरफ।
हॉस्पिटल। देखो ये पूरा एरिया जितना मुझे देखने से समझ में आ रहा है, इधर कहीं से ये लोग कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको। आ गया, हाँ उसको उन वायर्स के थ्रू उधर वो सीमेंट प्लांट पे ले जाते हैं। और मैंने चेक किया, जो आने वाला स्टेशन है उसका नाम कुछ सीमेंट प्लांट करके है। शायद से कोई सीमेंट प्लांट है, नाम मुझे नहीं पता बट सीमेंट प्लांट ही है। इधर देखो ये सीमेंट प्लांट के अंदर से भी ट्रैक्स आ रहे हैं, कोई ट्रैक्स आ रहे हैं तो इधर कोई ना कोई स्टेशन भी ज़रूर होगा। और अभी हम स्किप कर रहे हैं भुगान है पल्ले सीमेंट नगर, प्रोबेबली इसका नाम उसी सीमेंट वाला जो प्लांट हमने पीछे देखा उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। बैकग्राउंड में वो प्लांट भी दिख रहा है। तो अभी हमारी ये जो जर्नी है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे तवोन जंक्शन, जहां पे मैं एंड करूंगा अपनी ये ट्रिप। और ये जो ट्रेन है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स काचीगुड़ा। जो मेन पर्पस था मैंने ऑलरेडी बता दिया, मुझे जो मेन वो स्पेसिफिक गिदलूर और नंदयाल के बीच जो हार्ड सेक्शन टाइप का जो स्ट्रेस था वो मेनली कवर करना था। अब कल मैं जाऊंगा वहाँ पे ऑफ बोर्ड और बाहर से ट्रेन को कैप्चर करूँगा उस सेक्शन में, देखूँगा एक्सप्लोर करेंगे पूरे दिन कल। और अभी कोई तो स्टेशन स्किप कर रहे हो, यहाँ पे देखो ये मस्त, ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे। विंड मिल्स ज़्यादा नहीं है वैसे तो, 3-4 ही हैं बट स्टिल। देखो क्या मिला मुझे, फोकस कर ले। CR बॉय इन SCR, मस्त लग रहा है। तो एज सेड ये आखिरी स्टेशन था, मतलब नॉट आखिरी, ये थोन से पहले वाला स्टेशन था, अब इसके आगे थोन ही है। बट यहाँ पे क्या ना, फिर से छोटा सा घाट सेक्शन टाइप का, सिंगल लाइन में हम फिर से एंटर कर रहे हैं और छोटा सा घाट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिली ट्रेन होगा, थोड़े से कर्वी रूट्स होंगे बस। Thank you.
भाग सिमरन भाग। फाइनली वाली जो लाइन आ रही है यहाँ पे देख सकते हो ट्विन डीजल खड़े हैं, शायद वही हमारी ट्रेन को कपल होने वाला है और वही लाइन आती है काचीगुड़ा से। तो ये ट्रेन आगे जाएगी प्लेटफॉर्म पे, फिर वहाँ से रिवर्स होके फिर वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यार इसी के साथ हमारी ये जर्नी यहाँ पे धोन जंक्शन पे ख़त्म होती है। बहुत ही प्यारा सा रेलवे स्टेशन है और चारों तरफ पहाड़ों से तो नहीं बोल सकते, हिल्स से घिरा हुआ है। और ये ट्रेन का लोको ये देखो, आई गेस अगर रिवर्स होगा तो यही होगा, अदरवाइज़ अगर डीजल लगेगा तो पीछे जो दो लोको खड़े थे वही लोको इसको ले कर जाएँगे यहाँ से काचीगुड़ा। अब मेरी ये जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। एज़ डिस्कस्ड मैं कल ट्राई करूँगा कुछ ऑफबोर्ड शॉट लेने के। ओवरऑल मुझे बहुत ही मज़ा आया, कुछ नया देखने को मिला, एक नया रूट एक्सप्लोर करने को मिला। और मतलब जो बीच में घाट सेक्शन था वो भी मतलब बहुत ही सही था। और एक टाइम पे ये जो पूरा रूट हुआ करता था ना, ये मीटर गेज हुआ करता था, आज देखो इतना कुछ चेंज हो चुका है, ब्रॉड गेज, इलेक्ट्रिफाइड रूट। सर इस जर्नी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी और ट्रेन जर्नी में, कुछ नए रूट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नई जगह पे जाएंगे, कुछ नई स्पॉटिंग करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। एंड एज एक्सपेक्टेड ट्रेन EMDs जो थे खड़े बूटी के, उन्होंने चार्ज दिया है, ये इस ट्रेन को धोन से लेकर काचीगुड़ा तक ले जाएंगे। और शायद से सेम ट्रेन आई गेस, यस हाँ। तो इस ट्रेन का पेयरिंग ट्रेन है वो, उसको भी ट्वीन EMDs लगे हुए, तो वो अभी आ रही है सिकंदराबाद से और जाएगी गुंटूर। नाइस।